मगर ऐसा है कि बावजूद उसके उसके बाद भी मैंने एक बार लालू जी का इंटरव्यू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी नहीं की। अगर आपको लगा हो तो पता नहीं, मैं आई वाज वो यस आई वाज आउटरेज्ड। मुझे लगा कि जिस तरह की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी वो ज्यादती थी, और वो आउटरेज मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा और दिखना भी चाहिए। आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, और आप जाहिर सी बात है कि जो ताकतवर है उससे सवाल करेंगे, जो जवाब दे उससे सवाल करेंगे, और यही काम मैं वहां पर कर रहा था और यही काम एज एन एंकर आपको करना है। मगर जब आप जमीन पे उतरेंगे तो तब आप हकीकत जाएंगे, और हकीकतें क्या है मैं चाहता हूं आप खुद डिस्कवर करें बजाय मैं आपसे कहूं कुछ। मुश्किल है दोस्तों, हालात मुश्किल हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपकी जद्दोजहद सिर्फ रिपोर्ट हासिल करने की नहीं होती है, आपकी संस्था का माहौल, संस्था के अंदर जो माहौल है, कई बार इतनी नकारात्मकता, हमने खासकर हिंदी टेलीविजन में, आदित्य यहां पर है, नैना यहां पर है, वो ना कहें बात अलग है कि काम कर रही है संस्था में, नकारात्मक माहौल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा नकारात्मक माहौल है, और फॉर सम रीजन हिंदी टेलीविजन के अंदर हम एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल बहुत मुश्किल हो जाता है काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों के लिए एक ही मंत्र है, उस तमाम नकारात्मकता में, ऑफकोर्स प्रेशर एक और लेवल पे है गवर्नमेंट पे, बट दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट। आज हम आप लोगों की बात करेंगे, आपकी चुनौतियों की बात करेंगे, आप खुद को कैसे सुधार सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो नकारात्मक माहौल में इंसान कैसे खुद को बनाए रखे, उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपके लिए हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं, मे बी अगर कोई आपकी लाइफ के पैशंस हैं, जैसे म्यूजिक है, मूवीज हैं, आपका परिवार के साथ वक्त है, इन तमाम चीजों को वैल्यू कीजिए, क्योंकि वो तमाम नकारात्मकता का काट ये है। ये बिल्कुल अलग लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक छोटा सा आपको मंत्र बता रहा हूं, खुद को दफ्न मत कर दीजिएगा उसमें, क्योंकि जैसे जैसे आप जाएंगे, देखिए अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग माहौल होता है, कई जगहों पर आप देखेंगे चीख चिल्लाहट होती है, चिल्ला रहे होते हैं लोगों पर, और फॉर नो रीजन, वो चीज बहुत ठंडे दिमाग से हो सकती है, मगर होता क्या है कि लोग काम करें ना करें मगर काम करने का दिखावा जरूर करते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, चीख चिल्लाकर। और अंत में दोस्तों एक उर्दू का शेर है जिसे मैंने सरल करके, जो आप लोगों का मंत्र भी बन सकता है, और उसे मैंने अपने फेसबुक के पन्ने पर भी लगा रखा है, कि तेज हवाओं से न घबरा ए बाज, तेज हवाओं से न घबरा ए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। पता नहीं हमारा क्या स्ट्रक्चर है, मुझे बस इतना ही कहना था, आई होप कुछ सवालों के मैं जवाब दे पाया अपने इस प्रेजेंटेशन के जरिए। बाकी थैंक यू सो मच।